गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा रोहित व्लॉग्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो टुडे इज डे नंबर 30 ऑफ माय 30 डेज वेट लॉस चैलेंज। सो यस गाइस, आज लास्ट डे है हमारे वर्कआउट का इस सेकंड सीरीज, जो जैसे कि आप सबको पता होगा कि मैं ऑलरेडी एक फर्स्ट सीरीज कंप्लीट कर चुकी थी 30 डेज की, देन ये मेरी सेकंड सीरीज थी। ओके सो ये भी फिनिश हो गई है गाइस। एंड रही बात वेट अपडेट की, तो मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो आप लोगों को जो है शेयर करूंगी आप लोगों के साथ अपना करंट वेट अपडेट। एंड वैसे तो गाइज देखो, जब मैंने अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करी थी तब तक आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती थी मैं। तब से मैं देखूं और आज करंट मतलब अपने आप को देखती हूं तो यस, मुझे बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है गाइज 76 kg से। एंड जो भी अभी मेरा करंट वेट है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, वहां तक आना मेरे लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है गाइज। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आफ्टर सिजेरियन डिलीवरी मेरा कभी इतना वेट भी हो पाएगा। मैं बहुत ज़्यादा जो है इस चीज़ के लिए ना स्ट्रेस में रहती थी, एंड मैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन में भी इवन चले गई थी कि मेरा वेट अब कम नहीं होगा इस बार। बट यस गाइज, सब कुछ मैंने रॉन्ग प्रूव करा एंड मेरा वेट बैक टू जो है काफ़ी अच्छा हो चुका है। बट मुझे थोड़ा सा और वेट कम करना है तो गला थोड़ा सा खराब हो रहा है गाइज। एंड आज जो है हमारा लास्ट डे है, सो करूंगी आप लोगों के साथ आज का ब्लॉग शेयर, साथ में वर्कआउट करते हैं एंड उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आज का फुल डे का डाइट मेरा क्या रहा। एंड गाइज ये मेरी जो है 30 डेज की सीरीज यहीं पे कंप्लीट नहीं होगी, मैं जो है आप लोगों के साथ दोबारा से 30 डेज का चैलेंज जो है लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए, जिसमें मैं जो है मैं इसलिए लेकर आ रही हूँ गाइज बिकॉज देखो अभी जो मेरा एक डिज़ायर वेट है वहाँ तक मैं नहीं पहुँची हूँ। एंड अगर वेट मेरा जो भी अभी करंट वेट हुआ है अगर इतना हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अब ये वर्कआउट करना बंद कर दूँ, चैलेंज बंद कर दूँ, तो उससे क्या होगा कि मेरा वेट फिर से जो है इंक्रीज हो जाएगा एंड बैक टू फिर वो बढ़ता ही जाएगा। तो इसलिए मुझे ये सारी चीज़ें अपनी कंटिन्यू रखनी होंगी। और अगर आप जानना चाहते हो कि किस एक पर्टिकुलर हमारा बॉडी पार्ट का जो है फैट कम करने के लिए कौन सा हमें वर्कआउट करना चाहिए, तो आप लोग जो है इस चीज़ के लिए कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड मैं इन सारी चीज़ों के लिए एक फिर अलग वीडियो लेकर आया करूँगी सो दैट आप लोगों को ये भी पता लगते रहे कि कौन सी एक्सरसाइज किस बॉडी पार्ट के लिए जो है बेनिफिशियल है। तो बस यही है गाइज, ये सारी चीज़ें मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती थी। एंड यस, मैं बहुत हैप्पी हूँ गाइज अपने वेट से, करंट वेट से। तो चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं अपना वर्कआउट। एंड जिसने भी चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें सो दैट आप मेरे किसी भी ब्लॉग को मिस ना कर सकें। सो चलिए फिर इसके बाद मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ अपनी 30 डे की डाइट।
चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आज की फुल डे की डाइट क्या रही। तो जैसे कि वेदर ना चेंज हो चुका है, विंटर सीजन आ गया है, तो इसलिए पानी में अब 2 मग अच्छे से पी लेती हूँ, वार्म वाटर मॉर्निंग में, कभी कभी जीरा वाटर, मतलब डिपेंड करता है क्या आप मैं ले रही हूँ। उसके बाद मैंने सोक्ड एलिमेंट्स लिए थे ब्रेकफास्ट में, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी सॉस ली थी, साथ में लिया था सैंडविच जिसमें मैंने पनीर डाला था, क्यूकम्बर डाला था, टमाटो, ऑनियन एंड चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर था, एंड ये मैंने तवे पे सेका था गाइस, बहुत यम्मी बनते हैं ऐसे बनाकर देखना, प्लस हेल्दी है ही, एंड पनीर के साथ इसमें प्रोटीन भी हो गया, वेजिटेबल्स के साथ फाइबर हो गया। तो साथ में मैंने ये विदाउट शुगर टी ली थी एंड बहुत कम ही मैं दूध डालती हूँ गाइस चाय में। एंड मिड मॉर्निंग ब्रेक में मैंने यहाँ पर, मतलब स्नैक में, मैंने यहाँ पे ऑरेंज लिया था, तो ऑरेंज का सीजन आ चुका है गाइस। एंड लंच में मैंने यहाँ पे मेथी की जो है रोटी ली थी, एंड मैंने इसमें ना घी लगाया था दोनों साइड बिल्कुल हल्का हल्का, एंड इसमें मैंने अनियन भी डाला हुआ है, साथ में मैंने रायता लिया था अनियन का, तो एंड साथ में अचार लिया था। इवनिंग में ना गाइस क्या हुआ, थोड़ी सी ना भूख लगने लगी है ना अनहेल्दी, मैं कुछ खाना नहीं चाहती थी, तो मैंने सोचा कि बेस्ट ऑप्शन है पोहा, तो मैंने पीनट वाला जो है पोहा बनाया, सिर्फ इसमें अनियन एंड टमाटोज ही डाला था, एंड साथ में थोड़ी सी चाय ली थी बिकॉज विंटर का सीजन चल रहा है ना गाइस, तो चाय तो बनती है, लेकिन मैं विदाउट शुगर विदाउट जैगरी कुछ भी नहीं डालती हूँ, बिल्कुल सिंपल चाय। डिनर में मैंने यहाँ पे वही मेथी की सेम रोटी ली थी, ये तो मैंने प्रॉपर रोटी ही बनाई थी, एंड साथ में मिक्स वेज सब्जी ली थी। तो ये है हमारा आज का लंच, और साथ में मैंने धनिया की एंड पुदीने की चटनी ली थी। तो ये था हमारा आज का फुल डे का डाइट, एंड जो मेरा करंट वेट है गाइज ये है मेरा करंट वेट, सो होप यू लाइक इट, सो सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।